नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त उत्तम। आज वीडियो में Redmi Note 10 S स्मार्टफोन के अंदर PUBG गेमिंग टेस्ट, हीटिंग टेस्ट, टेम्परेचर, FPS सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए Redmi Note 10 S स्मार्टफोन की, तो ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा होने वाला है और इस बजट कैटेगरी के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स साथ आने वाला है, जैसे सुपर एमोलेड डिस्प्ले, स्टूडियो स्पीकर्स और काफ़ी अच्छा बड़ा बैटरी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। फ्रेंड्स, अगर आप इस स्मार्टफोन की कंप्लीट अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं स्मार्टफोन की केवल कुछ हाइड्रीन डिटेल्स को ही डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले अगर इसके डिस्प्ले की बात की जाए, इसके अंदर हमें 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है। ये एक नॉर्मल 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है। और इसके प्रोसेसर की अगर बात की जाए, इसके अंदर हमें मीडियाटेक का हीलियो G95 एक 12 नैनोमीटर बेस्ड ऑक्टाकोर CPU मिलता है। और इसकी अगर GPU की बात की जाए, इसके अंदर हमें माली का G76 GPU मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर के साथ आता है। फ्रेंड्स, ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, इसके अंदर हमें परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और स्मार्टफोन की अगर बैटरी की बात की जाए, इसके अंदर हमें 5000mAh की बहुत ही बड़ी बैटरी मिल जाती है। तो इसके अंदर हम बड़े आराम से 7-8 घंटे कंटिन्यू गेमिंग कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन इसके अंदर हमें थोड़ी हीटिंग इशू देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देर करते हैं स्मार्टफोन के अंदर पबजी टेस्ट शुरू किया जाए। क्या आप घर बैठे हो रहे हो बोर, तो खेलो गेम्स और अर्न मोर। अरे पूछोगे नहीं कैसे, अरे मैं बता ही देता हूँ। बस आपको क्रोम के ऊपर टाइप करना है www.skillclash.com। हाँ, स्किल क्लैश, आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, ये वही वेबसाइट है जिस पर आप गेम्स खेलकर 200-300 रुपये रोज के कमा सकते हो। सबसे यूनिक बात यह है कि आपको कोई भी ऐप या APK इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर आप कैरम, क्विज, क्रिकेट, पूल जैसे मज़ेदार गेम्स खेलकर और पैसे जीत सकते हैं। आप जीते हुए पैसे पेटीएम, UPI, अमेजन पे के थ्रू इंस्टेंट विड्रॉ कर सकते हैं। यार, मैं भी इसी प्लेटफॉर्म का यूज करता हूँ अपनी पर्सनल अर्निंग्स के लिए। और हाँ, अभी स्किल क्लैश पर स्किल क्लैश प्रीमियर लीग चल रहा है, जिसमें हर वीक एक नया गेम, एक नया टूर्नामेंट होता है, जिसको आप ज्वाइन करके बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये प्लेटफॉर्म बहुत ही जल्दी पॉपुलर हो गया है, मतलब 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग यहाँ गेम्स खेलकर पैसे जीत रहे हैं। आप भी इसको ट्राई कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसके अंदर गेम मोड इनेबल कर दिया है। गेम मोड के अंदर अपने PUBG को ऐड कर लिया है, गेम टर्बो, गेम शॉर्ट्स का सभी चीज़ों को इनेबल कर दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं अगर स्मार्टफोन के अगर इनिशियल टेम्परेचर आपको दिखा दूँ बिना गेम प्ले के, तो देख सकते हैं इसका 34.2 डिग्री सेल्सियस आसपास है फ्रंट से। और इसके पीछे की अगर बात की जाए, तो पीछे भी हमें अप्रॉक्स 34 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला है, 33.9, तो अप्रॉक्स 34 डिग्री सेल्सियस इनिशियल ये हीट है। तो फ्रेंड्स, जैसा लोग देख सकते हैं, मेरे स्मार्टफोन के अंदर PUBG ओपन हो चुका है। तो PUBG की अगर सबसे पहले अगर मैं ग्राफिक सेटिंग्स की अगर बात करूँ, इसके अंदर हमें स्मूथ पे अल्ट्रा मीन 40 FPS, बैलेंस पे भी अल्ट्रा 40 FPS और HD पे हमें हाई 30 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। और उसके साथ साथ अगर मैं आपको जायरो दिखा दूँ, तो मैं जायरो ऑलवेज ऑन कर दिया हूँ। और अगर मैं आपको जायरो का डिले अगर दिखा दूँ, तो जैसा आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर हमें कोई भी जायरो के अंदर डिले देखने को नहीं मिलता है। ये काफ़ी फास्टली और क्विकली वर्क कर रहा है और रिस्पॉन्स कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको लेके चलता हूँ गेम प्ले की स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ, ताकि आप काफ़ी अच्छी तरीके से गेम प्ले को एंजॉय कर पाएँ और ऑब्जर्व कर पाएँ।
मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपने मेरे इस गेम प्ले को एंजॉय किया होगा। इसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छा गेम प्ले किया। तो फ्रेंड्स, अब स्मार्टफोन की अगर मैं आपको टेम्परेचर की बता दूँ गेम प्ले के बाद, तो फ्रंट से इसके अंदर हमें 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिला है और रेयर के अंदर भी हमें 42-43 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट है। ये तो अप्रॉक्स ये 10 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ है, लेकिन इसके अंदर अगर हम कंटिन्यू गेमिंग करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट होता है। तो इसके अंदर हमें थोड़ी हीटिंग इसमें देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, अब इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए, इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। 40 FPS हमें लगभग कॉन्स्टेंट मिल रहा था। कभी कभी स्टार्टिंग में जब हम जंप करते थे हमें 35 फ्रेम्स के आसपास देखने में ड्रॉप मिला था, लेकिन उसके बाद हमें 39-40 कॉन्स्टेंट देखने को मिला। ये परफॉर्मेंस इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें कोई जायरो डिले देखने को नहीं मिलता है और फ्रेंड्स, गेम प्ले के अंदर हमें कोई भी लैग शटर देखने को नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, स्मार्टफोन के ओवरऑल कंक्लूजन की अगर बात की जाए, इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। चाहे वो पबजी हो, फ्री फायर हो, कॉल ऑफ ड्यूटी हो, किसी भी गेम्स के अंदर ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। इसके अंदर हमें काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर हमें थोड़ी हीटिंग इश्यू देखने को मिलती है और ये 12 नैनोमीटर बेस्ड फैब्रिकेशन होने की वजह से ये थोड़ा कम पावर एफिशिएंट है। इसके अंदर हमें थोड़ा फास्ट बैटरी ड्रेन देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस गेम प्ले के बारे में सभी डिटेल्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपके कोई सवाल है तो मुझे कमेंट कीजिए। धन्यवाद। फ्रेंड्स, आपको बताया था ना स्किल क्लैश के बारे में, तो अभी मैं अपने फ्रेंड के साथ गेम खेल रहा था और उसको मैंने हरा दिया है और मैंने अपने अर्निंग को फटाफट से UPI थ्रू विड्रॉ भी कर लिया है। और हाँ, इस IPL सीजन खेले स्किल क्लैश प्रीमियर लीग और कमाए ढेर सारे पैसे। लिंक इन डिस्क्रिप्शन।